फिल्म की शुरुआत ही हम लिंकन को देखते हैं जो कि पैरालाइज होता है और वो अपना सिर, एक उंगली और दोनों कंधे ही हिला पाता है। दरअसल लिंकन एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट था और किसी केस के दौरान पुलिस को एक लाश सबवे टनल में मिलती है, लेकिन लिंकन सबूत इकट्ठा करने के इरादे से लाश की तरफ जाता है और किसी तरीके से रेंग कर बॉडी के पास पहुंच जाता है कि तभी उस पर अचानक से एक बीम गिर जाती है जिसके कारण वो आज इस हालत में है। और आज भी लिंकन उस घटना को अपने सपने में देख रहा था, फिर उसकी आंख अचानक से खुलती है, पर तभी सीन कट हो जाती है और अगले सीन में हम एक जाने माने बिल्डर और उसकी पत्नी को एयरपोर्ट के बाहर देखते हैं, जिनका नाम एलन और लिंडसी होता है, जो अपने ड्राइवर की गाड़ी लेकर आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके समय पर ना पहुंचने पर वो टैक्सी में जाने का फैसला करते हैं और थकान की वजह से उसी टैक्सी में सो जाते हैं। इसके बाद रास्ते में जब लिंडसी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो लोग किसी अनजान रास्ते पर जा रहे होते हैं, ना कि अपने घर की तरफ। इसके बाद लिंडसी एलन को जगाती है और दोनों अपने आप को गाड़ी में लॉक पाते हैं और अब हम देख पाते हैं कि उस टैक्सी ड्राइवर ने दोनों को अगवा कर लिया है। अब अगले सीन में हम लिंकन को देखते हैं जो कि अपनी नर्स थेल्मा से वोडका पीने को मांगता है, जिस पर वो उसे वोडका के बजाय जूस लाकर देती है। इसके बाद हम मेडिकल टेक्नीशियन रिचर्ड थॉम्सन को देखते हैं जो लिंकन को बताता है कि उसकी हार्ट मॉनिटर में कुछ खराबी है, इसलिए वो कल आकर इसे बदल देगा, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ डॉक्टर बेरी आते हैं और लिंकन से उसका हालचाल पूछते हैं, जिससे हम उन दोनों की बातों से समझ पाते हैं कि लिंकन अपनी इस हालत से काफी परेशान हो गए हैं, क्योंकि उसके शरीर के गिने चुने अंग ही काम कर रहे हैं और ऊपर से उसे दौरे भी पड़ते हैं, इस वजह से वो मरना ही बेहतर समझने लगता है और इसीलिए वो डॉक्टर बेरी से विनती करता है। उसकी ये दुखदायी हालत देखकर डॉक्टर बेरी कहते हैं कि अगले संडे तक जब वो वापस आएंगे तो वो उसकी इच्छा मृत्यु की पिटीशन डाल देंगे। उनकी ये सब बातें थेल्मा भी सुन रही होती है, इसलिए वो लिंकन के लिए खुश होती है। अगले सीन में हम एमिलिया को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है और हम एमिलिया और उसके पति की बातों से समझ पाते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, जिसके बाद एमिलिया को ड्यूटी के दौरान पता चलता है कि किसी बच्चे को पुराने रेलवे ट्रैक के पास कुछ मिला है जिसकी वजह से वो काफी डरा हुआ है। इसलिए जब एमिलिया उस जगह पहुंचकर देखती है तो उसे वहां जमीन से बाहर निकला हुआ एक हाथ दिखता है जिसकी एक उंगली कटी हुई थी, जिस पर कातिल ने उसकी एंगेजमेंट की अंगूठी पहनाई थी। जिसके बाद एमिलिया जब जमीन से कुछ मिट्टी हटाकर देखती है तो उसे एलन की लाश गड़ी हुई मिलती है, जिसे कुछ दिन पहले उसकी बीवी समेत एक टैक्सी ड्राइवर ने अगवा किया था। लाश को देखकर एमिलिया थोड़ा डर जाती है, जिसके बाद वो आगे देखती है तो उसे रेलवे ट्रैक पर कुछ चीजें मिलती हैं, जिसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग, एक किताब पर पन्ना जिस पर 119 लिखा होता है, फिर एक बड़ा बोल्ट और थोड़ी सी रेत मिलती है। पर तभी उस ट्रैक पर एक ट्रेन आने लगती है जिसे एमिलिया सही समय पर रुकवा देती है ताकि सबूत खराब ना हो। थोड़ा और छानबीन करने पर उसे एक जूते का निशान भी दिखाई देता है। एमिलिया सारे सबूतों की फोटो खींच लेती है और कुछ देर बाद वहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और बाकी पुलिस भी आ जाती है और अब एमिलिया अपने सीनियर डिटेक्टिव पॉली को सारी फोटोज देती है, जिसके बाद वहाँ डिटेक्टिव हॉवर्ड आकर एमिलिया को ट्रेन रोकने के लिए डांटते हैं। अब आगे हम एलिन की बीवी लिंडसी को देखते हैं जिसे एक आदमी घसीटकर एक पुरानी टनल में ले जाता है और उसके हाथों को हथकड़ी लगाकर एक पाइप से बांध देता है। इसके बाद अगले सीन में हम डिटेक्टिव पॉली और सोलोमन को लिंकन के पास उसकी राय लेने आते हैं और उसको इस केस के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लिंकन इस अवस्था में भी अपने फॉरेंसिक के ज्ञान और तजुर्बे से समय समय पर पुलिस की मदद करता रहता है, इसलिए सरकार उसके इलाज का पूरा खर्चा उठाती है। जिसके बाद लिंकन उन्हें बताता है कि ये फिरौती का मामला है और कुछ देर बाद शायद कातिल उनके पास कॉल करे। फिर डिटेक्टिव पॉली उसे सारे सबूतों की फोटोज दिखाती है और फिर अचानक से लिंकन को दोबारा दौरे पड़ने लगता है, इसलिए थेल्मा दोनों डिटेक्टिव्स को बाहर जाने को कहती है। उसके कुछ देर बाद लिंकन बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो सारी फोटोज थेल्मा की मदद से जूम करके देखता है और उसे मिले हुए दोनों पेपर्स की फोटो में से न्यूज़पेपर पर 4 PM सर्कल किया होता है और दूसरा
पेपर किसी किताब का 119 नंबर का पेज होता है। लिंकन तुरंत इसका मतलब समझ जाता है कि कातिल उनको चैलेंज कर रहा है और उसे 9 नवंबर की तारीख शाम 7 बजे का टाइम का पता चलता है, मतलब कल 4 बजे वो कातिल एक और खून करने वाला था। लिंकन को अब जब पता चलता है कि अमेलिया ने ये फोटो खींची तो वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। इधर अमेलिया का प्रमोशन यूथ सर्विस डिविजन में हो जाता है, इसलिए वो एक क्लास में बैठी होती है कि तभी डिटेक्टिव सोलोमन आकर उसे अपने साथ लिंकन से मिलवाने ले जाते हैं, जिसके बाद लिंकन अमेलिया से इस केस की सारी जानकारी लेता है और उस जगह पर सूझबूझ से काम करने के लिए उसकी तारीफ करता है और उसे इस केस में काम करने के लिए भी कहता है, लेकिन अमेलिया मना कर देती है। पर सीनियर डिटेक्टिव पॉली का ऑर्डर देने पर वो इस केस पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर लिंकन सबको बताता है कि लिंडसी अब भी जिंदा है, लेकिन आज शाम को 4 बजे उसे मार दिया जाएगा। जिसके बाद वहाँ एक लैब टेक्नीशियन आता है जिसका नाम एडी होता है। वो उस रेत की जांच करने पर बताता है कि ये रेत नहीं बल्कि ऑयस्टर शेल का पाउडर है, जिससे लिंकन समझ जाता है कि लिंडसी किसी वर्ल्ड माउथ बिल्डिंग में है। और इसके बाद क्राइम सीन से मिले बोल्ट से वो पता लगाते हैं कि लिंडसी किसी अंडरग्राउंड स्टीम जंक्शन में कैद है, जहाँ रोज शाम को 4 बजे स्टीम छोड़ी जाती है। इसके बाद लिंकन अमेलिया को डिटेक्टिव पॉली और सोलोमन के साथ वहाँ जाने को कहते हैं। वहीं इधर हम कातिल को देखते हैं जो पाइप को लिंडसी के चेहरे की तरफ घुमा देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब 4 बजने में कुछ ही मिनट्स बाकी थे। इसके बाद अमेलिया भी डिटेक्टिव्स के साथ उस जगह पहुंच जाती है। अमेलिया लिंकन से रेडियो के जरिए कॉन्टेक्ट में होती है, जहाँ उन्हें सुरंग तो मिल जाती है लेकिन लिंडसी दीवार की उस तरफ होती है। यहाँ कुछ लोग पाइप के वेल्व को बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो टूट जाता है और 4 बजते ही जोरों की स्टीम वहां पर छूटने लगती है, जिससे लिंडसी उस स्टीम की गर्मी से झुलस कर मारी जाती है और सब उसे बचा ना पाने की वजह से बहुत दुखी होते हैं। इधर लिंकन अमेलिया से लाश के पास सबसे पहले जाकर सबूत जमा करने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पुलिस और इमरजेंसी यूनिट वाले सबूतों को गलती से खराब कर दे, जो अमेलिया ऐसा ही करती है। जिसके बाद वो लिंडसी की लाश को देखती है जो कि पूरी तरह से जल चुकी होती है और वहाँ चारों तरफ देखने पर उसे एक हड्डी, एक पुरानी कागज और कुछ बाल मिलते हैं, जिसे वो अपने पास संभाल कर रख लेती है। इसके बाद लिंकन उसे लाश की कंडीशन बताने के लिए कहते हैं, जिस पर वो बताती है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है और कमर में एक चैन बंधी है और उसके पैरों को भी रस्सी से बांधा गया है। इसके बाद लिंकन अमेलिया को लिंडसी को हाथ काट कर उसकी हथकड़ी निकालने के लिए बोलते हैं, क्योंकि शायद उसमें कातिल की उंगलियों के निशान हो सकते हैं, लेकिन अमेलिया ऐसा नहीं कर पाती और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद लिंकन अमेलिया की जिंदगी के बारे में थोड़ा छानबीन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने किसी अनजान वजह के कारण खुद को गोली मार ली थी, और उस समय अमेलिया छोटी थी और उसने सबसे पहले अपने पिता की लाश को देखा था, शायद इसीलिए अमेलिया आज घबरा गई थी। वहीं इधर हमें अमेलिया दिखाई जाती है जो कि अपने पिता को याद करते हुए खूब रोती है, इसलिए वो लिंकन के कॉल को नजरअंदाज करती है। पर तभी वहाँ डिटेक्टिव सोलोमन आ जाते हैं जो कि अमेलिया को बताते हैं कि लिंकन ने मुझे तुमको लाने को भेजा है। अमेलिया सोलोमन की विनती पर चलने के लिए राजी हो जाती है। अब अगले सीन में किसी नाइट क्लब के बाहर एक लड़का टैक्सी में बैठता है और अब हम देख पाते हैं कि ये वही टैक्सी थी जिसमें एलन और लिंडसी बैठे थे। इसका मतलब कि अब ये लड़का भी अगवा हो चुका है और उस कातिल का अगला शिकार है। इसके बाद वो कातिल उसे किसी अनजान जगह ले जाता है और उस लड़की को एक पाइप में चैन से बांध देता है। उसके बाद वो उसकी जांग में चाकू से एक गहरा घाव करता है, जिससे वहां मौजूद चूहे उसके खून की महक पाकर उसको नोचना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम एमिलिया को देखते हैं जो कि लिंकन से मिलने आई होती है, जहां लिंकन उसको बताता है कि जब मैंने तुम्हारे पिता के बारे में जाना तो मुझे फाइनली पता चला कि तुमने मेरे कहने पर वो काम क्यों नहीं किया। उसके बाद वो अपने बारे में बताता है कि मेरे पिता बस 8 स्टैंडर्ड तक ही पढ़े थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 10 किताब ही पढ़ी होंगी और मैंने तकरीबन 1000 किताबें पढ़ी और दर्जनों किताब लिख भी चुका हूँ। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे पिता के साथ हुआ जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारे साथ भी हो, क्योंकि हमारी किस्मत हम खुद बनाते हैं। जिन बातों से अमेलिया एकदम भावुक हो जाती है, जिसके बाद वो इस केस पर तुरंत लग जाती है कि तभी वहाँ पॉली उन्हें बताता है कि कल रात एक लड़का अगवा हुआ है। जिसके बाद वो लोग सबूत पर काम करना शुरू करते हैं, जहाँ उन बालों से पता चलता है कि वो किसी चूहे के बाल थे और वो हड्डी का टुकड़ा किसी
गाय का था, लेकिन उस पेपर के टुकड़े से कुछ पता नहीं चल पाता। जिसके बाद लिंकन दोनों पीस के पेपर को मिलाकर उसे स्टडी करने लगता है और अंत में वो समझ जाता है कि ये कोई पहेली है, जिससे लिंकन समझ जाता है कि ये कातिल जानबूझकर हमारे लिए सबूत छोड़ रहा है ताकि वो इन सब के खून का इल्जाम हमारे सर पर डाल सके। वो अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। जिसके बाद सारे सबूतों को जोड़कर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कातिल ने उस लड़के को किसी स्लॉटर हाउस में रखा होगा जो कि अंडरग्राउंड है, और इस तरह से वो उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं। इसके बाद अमेलिया और बाकी सब उस स्लॉटर हाउस में जाते हैं, जहां अमेलिया देखती है कि उस लड़की की लाश को चूहों ने नोच नोच कर खा लिया। आगे देखने पर अमेलिया को एक माचिस और तीसरी कागज का टुकड़ा मिलता है, जिसको इकट्ठा करके वो वहां से जाने लगती है। पर तभी डिटेक्टिव हार्वर्ड मीडिया के दबाव में आकर लिंकन को इस केस से हटा देता है और अमेलिया से सारे सबूत लेकर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। जहां पर पहुंचते ही उस माचिस की डिब्बी में उसे किसी के उंगलियों के निशान मिलते हैं, जिसके बाद डेटाबेस में चेक करने पर वो उंगलियों के निशान एक टैक्सी ड्राइवर की उंगलियों से मैच कर जाते हैं। जिस पर बिना देरी किए डिटेक्टिव हार्वर्ड उस टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंचता है, पर वहां पहुंचने पर उसे उस टैक्सी ड्राइवर की लाश मिलती है जिसकी एक उंगली कटी हुई थी। यहां अब हम जान पाते हैं कि उस कातिल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा किया, इसलिए डिटेक्टिव हार्वर्ड और उसके साथियों को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अगले सीन में हमें फिर से अमेलिया दिखाई जाती है जो कि डिटेक्टिव हार्वर्ड के पास से वो कागज का टुकड़ा चुरा लेती है, और अब लिंकन के पास कागज के तीन टुकड़े होते हैं जिन्हें वो फिर से मिलाकर देखने लगता है। और फिर तभी अचानक से एक बार फिर लिंकन को फिर से दौरा पड़ता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसी बीच थेल्मा एमिलिया को उसकी इच्छा मृत्यु की पिटीशन के बारे में बताती है, और ये जानकर एमिलिया को बहुत दुख होता है, इसलिए वो लिंकन की इस हालत के लिए बहुत बुरा फील करने लगती है। इसके बाद वहां पर हार्वर्ड आ जाता है और थेल्मा से उसे अंदर आने की इजाजत मांगता है, क्योंकि उसको पता है कि अमेलिया सबूतों को चुरा कर यहां लिंकन के पास लाई है, जिस पर अमेलिया उसे कहती है कि जाओ और वारंट लेकर आओ, फिर उसके बाद तुम तलाशी ले सकते हो, लेकिन बिना वारंट के मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। जिस पर हार्वर्ड धमकी देता है कि इस बार वो वारंट लेकर आएगा और वो सबको देख लेगा। इसके बाद लिंकन जब होश में आता है तो अमेलिया उसको बताती है कि थेल्मा ने उसकी पिटीशन के बारे में सब कुछ बता दिया है और उसे जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती है। अब लिंकन पूरे जोश के साथ इस केस पर लग जाता है और उन कागज के टुकड़ों को जोड़ने लगती है कि तभी उन्हें एक लोगो दिखाई देता है जो किसी पब्लिकेशन कंपनी का था, जिसे उसने बहुत पुराने क्राइम नॉवेल के कवर पेज पर देखा था। दूसरी तरफ वो कातिल एक स्टेशन से एक बूढ़े आदमी और एक बच्ची को अपनी टैक्सी में लेकर कहीं जा रहा होता है, और एक पुलिस वाले के रोकने पर वो उसे मार देता है। इधर अमेलिया लाइब्रेरी में जाकर उस नॉवेल को देखती है जिसका नाम द बोन कलेक्टर होता है, और अब तक वे सारे हत्या उसी नॉवेल में बताए गए तरीके से किए गए होते हैं, जिससे अमेलिया को अगले हत्या के तरीके और जगह के बारे में पता चल जाता है। वहीं इधर लिंकन को पता चलता है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने एक पुलिस वाले को मारकर एक बूढ़े आदमी और एक बच्ची को अगवा कर लिया, जिसके बाद अमेलिया और बाकी सब उस जगह पर तलाशी लेना शुरू करते हैं, जहां अमेलिया देखती कि वो बूढ़ा आदमी और बच्ची जो कि एक लकड़ी से समुद्र के किनारे बंधे हुए होते हैं और समुद्र की ऊंची लहरों के कारण वो डूब रहे होते हैं। उनके वहां से निकलने पर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी मर चुका है, लेकिन वो बच्ची किसी तरह बच जाती है। इसके बाद लिंकन के कहने पर अमेलिया चारों तरफ सबूत की तलाश करती है और अंत में उसे एक हड्डी, एक पुराना टूटा हुआ पुलिस बैज और एक नक्शा मिलता है। नक्शे पर ध्यान से देखने पर अमेलिया को पास ही मौजूद एक स्टेशन का पता चलता है, पर तब तक वहाँ डिटेक्टिव हार्वर्ड भी आ जाता है और अब वो अमेलिया को सबूत चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार करने ही वाला होता है कि वो सही मौके पर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो उसी नक्शे में दिखाई गई पास एक सबवे स्टेशन की तरफ जाती है जिसका ताला पहले से ही टूटा हुआ था। अंदर प्रवेश करने पर उसे वहाँ पैरों के निशान मिलते हैं जो एलन की हत्या के समय उन्हें मिले थे। इसी दौरान अमेलिया लिंकन से कॉन्टेक्ट में भी थी कि तभी अचानक उनका सिग्नल चला जाता है और अब अमेलिया को आगे बढ़ने पर दीवार पर एक नंबर लिखा हुआ मिलता है, और काफी सोचने पर उसे याद आता है कि ये तो लिंकन का बैच नंबर है, जिससे वो समझ जाती है कि उस कातिल का अगला शिकार लिंकन ही है। इधर डिटेक्टिव हार्वर्ड वारंट लेकर लिंकन के घर पहुंचता है और उसी वक्त वहां पर वो कातिल भी आ जाता है, जो कि एक झटके में थेल्मा और डिटेक्टिव हार्वर्ड को चाकू से मारकर ढेर कर देता है। जिसके बाद वो कातिल अंदर लिंकन के पास जाता है और हम अब देख पाते हैं कि वो
सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि मेडिकल टेक्नीशियन रिचर्ड है, जिसे हमने इस फिल्म की शुरुआत में देखा था। लिंकन उससे सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसकी उससे क्या दुश्मनी है। फिर रिचर्ड बताता है कि कुछ सालों पहले तुमने एक केस के ऊपर कुछ थियोरीज लिखी थी, जिसके बाद एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को 6 साल की जेल हो गई थी। तब लिंकन को याद आता है कि मार्कस एंड्रूस नाम के फोरेंसिक एक्सपर्ट की वजह से 6 बेगुनाह लोगों को जेल हो गई थी, जिनमें से एक ने आत्महत्या कर लिया। इसलिए लिंकन ने उस केस पर अपने अनुभव के हिसाब से रिपोर्ट जमा की थी और इस पर किताब भी लिखी थी, और इसके फलस्वरूप मार्कस एंड्रूस को 6 साल की जेल हो गई थी। आगे हमें पता चलता है कि मार्कस और रिचर्ड दोनों एक ही आदमी है, और रिचर्ड ने ये सब लिंकन को चैलेंज करने के लिए किया था, क्योंकि उसके मुताबिक सबूत देने के बाद भी वो लोग किसी को बचा नहीं पा रहे थे और उनके कारण उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद रिचर्ड लिंकन को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एन वक्त पर लिंकन अपने बेड को एक झटके के साथ नीचे कर देता है, जिससे रिचर्ड का हाथ घायल हो जाता है। और अब वो हत्यारा एकदम गुस्से में लिंकन को बेड से नीचे घसीट लेता है और अब लिंकन की जान लेने पड़ता है। लेकिन लिंकन रिचर्ड की गर्दन में अपने दांतों से इस तरह जकड़ता है कि वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है, और बड़ी मशक्कत से वो लिंकन से खुद को छुड़ा पाता है और गुस्से में चाकू से लिंकन को मारने जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से अमेलिया उसे गोली मार देती है और इस तरह लिंकन की जान बच जाती है और रिचर्ड उफ मार्कस की कहानी यही समाप्त हो जाती है। अब हमें क्रिसमस का वक्त दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि लिंकन ने अब आत्महत्या करने का फैसला बदल दिया और अमेलिया भी अपने पति को डिवोर्स देकर लिंकन के साथ रहने लगी। क्रिसमस पर लिंकन के सभी दोस्त और उसकी बहन भी आई होती है और उन्हें देखकर लिंकन बहुत खुश होता है, क्योंकि उनसे लिंकन का कोई कॉन्टेक्ट नहीं था और वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। लेकिन अमेलिया ने उन्हें वहाँ क्रिसमस पर इन्वाइट किया ताकि लिंकन को उसका क्रिसमस का तोहफा दे सके, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।